नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 29 सितंबर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि राहुल के राम मंदिर में नाच गाना वाले बयान से संत नाराज। राम मंदिर में राहुल गांधी के नाच गाना वाले बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। राहुल ने 26 सितंबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। उनसे कहा गया कि आप आदिवासी हो, आप अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है। अयोध्या में नाच गाना चल रहा है। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर का होगी। मोदी बोले, हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिसार में रैली को संबोधित किया। यहां मोदी ने कहा कि हरियाणा में भी कांग्रेस का सरकार बनाने का गुब्बारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह फूटेगा। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई। मोदी ने बिना नाम लिए नूह के फिरोजपुर झिड़का से कांग्रेस विधायक मामन खान की धमकी से जुड़े मामले का जिक्र किया। मोदी ने कहा, भारत में अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना, चीफ नसरल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजरायल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। सीसीटीवी की निगरानी में ही होंगे बोर्ड एग्जाम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी स्कूलों को एग्जाम हॉल में सीवीसी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। ये नियम सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों पर लागू होगा। बोर्ड ने स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजे नोटिस में कहा है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में ही आयोजित की जाएं। IPL प्लेयर्स को भी मिलेगी मैच फीस। IPL में अगले सीजन से खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। BCCI सचिव जय शाह ने शनिवार शाम को ऐलान किया कि IPL में अब से प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी को एक मैच के 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। जो खिलाड़ी सीजन के सभी मैच खेलेगा उन्हें उनकी कीमत के अलावा 1.5 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। जय शाह ने कहा कि मैच फीस फ्रेंचाइजी की ओर से ही दी जाएगी। सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमें मैच फीस के लिए सीजन में अलग से 12.60 करोड़ रुपए का फंड अलॉट करेंगी। क्रिकेटर मुशीर की फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुशीर खान का एक्सीडेंट हो गया है। वे पिता नौशाद के साथ आजमगढ़ से लखनऊ ईरानी कप में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उनकी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर पलट गई। सभी घायलों को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। CEC बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
राहुल गांधी का विदेश मंत्री को लेटर। राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर लिखकर श्रीलंका में बंद तमिल मछुआरों की मांग की है। राहुल ने कहा कि मछुआरों की रिहाई कराने और जब्त की गई नावों को छोड़ने के लिए श्रीलंका के अफसरों से बात करें। इससे पहले 27 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मछुआरों को जल्द रिहाई की मांग की थी। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जमानत जब्त सीट दी। हरियाणा की सियासत में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनावी जंग में अपने अपने सिपह सालार उतार दिए हैं। बीजेपी को पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन 27 सीट पर पार्टी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। इनमें विनेश फोगाट की जुलाना सीट भी शामिल है। इस सीट पर भी 2019 के चुनाव में पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने इन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में हारे उम्मीदवारों पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों को उतारा है। हरियाणा चुनाव के बीच आप प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ी। हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को आम आदमी पार्टी एएपी को झटका लगा। वोटिंग से 6 दिन पहले एएपी के प्रत्याशी प्रवेश मेहता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। फरीदाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनको भाजपा ज्वाइन कराई। प्रवेश मेहता भाजपा कैंडिडेट विपुल गोयल की सभा में पहुंचे थे। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2,000 रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 पूर्व एमएलए को निष्कासित किया। हरियाणा कांग्रेस ने 5 पूर्व विधायकों सहित 9 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर, पानीपत से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी, आरक्षित सीट नीलोखेड़ी से पूर्व विधायक राजकुमार वाल्मीकि, हथिन से पूर्व विधायक हर्ष कुमार और तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर को निष्कासित किया है। भारत बांग्लादेश टेस्ट बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल रद्द। भारत बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। कानपुर में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में अंपायर्स ने ग्राउंड स्टाफ से बात करके दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। रविवार 29 सितंबर को भी यहां 59% बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।